सो माय बिलेवड ऑडियंस, वेलकम अगेन। भाई साहब, आप लोग भी उतने ही तड़फड़ा रहे हो और ये चीज मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उतना ही तड़फड़ा रहा हूँ कि कल की 2898 से जुड़ी कोई ऐसी खबर मिल जाए जो ऑफिशियल हो। पहले तो ऑफिशियल हो और भाई कोई खबर ही मिल जाए कि इससे रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि कल की में भाई कह रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा है, कट टू कट भाई टीजर पे कट्स लग रहे हैं, लेकिन कब कब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो भाई साहब, कल की 2898 से जुड़ी ऐसी दमदार चीजें लेके आए हूँ जो आपको बिल्कुल सुकून और सुख देकर जाएंगे। भाई इसका प्रील्यूड आने वाला है, यानी एक ऐसा एनिमेटेड टीजर जो हमें पूरा सार बता के जाएगा, मतलब पूरी मूवी में क्या क्या होने वाला है। इन तीन पार्ट्स में जो कल की 2898 आएगी उसका एक आइडिया देकर जाएगा कि क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद ये टीजर रिलीज कहाँ होगा, कब होगा। देन उसके बाद भाई साहब, एक छोटी मोटी खबर ये भी आ रही है कि मूवी की ऑफिशियल डेट ये होने वाली है, मतलब ग्रैंड रिलीज की थिएटर पे इस दिन को देखने को मिलेगी। तो क्या करना है आपको, दो मिनट के लिए जुड़े रहना है, सब कुछ एक के बाद एक मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इससे जुड़ी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब, एक लाइक एक सपोर्ट और ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी। शुरुआत करते हैं भाई साहब, प्रील्यूड से रिलेटेड आपको जानकारी देनी है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कल की 2898 में जो बहुत बड़ी मूवी है इसका आइडिया मेकर्स पहले से ही देना चाहते हैं कि भाई अगर एक मतलब फर्स्ट पार्ट भी आ गया तो सिर्फ वो इनफ नहीं होगा, उससे आगे जो और कुछ मिलने वाला होगा। क्योंकि समटाइम होता ये है, जैसे सालार में हमने देखा कि वहां पर स्टोरी बिल्डिंग करी गई है, लेकिन सालार पार्ट टू में भाई पूरा धमाका होने वाला है। वही चीज़ यहाँ पर ये करना चाहते हैं मेकर्स, और ये बहुत अच्छा एफर्ट है। शायद इससे पहले कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं जो ऐसे स्टेप्स नहीं लिए हैं, लेकिन ये लोग ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो भाई बूस्ट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। प्रील्यूड आने वाला है कल की 2898 का, एक ऐसा एनिमेटेड टीजर जो डायरेक्टली ये बताएगा कि मूवी में आखिर मिलने क्या वाला है, मतलब उनके कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, स्टोरी कहाँ से होने वाली है। एक टाइप से स्टोरी बिल्डअप का काम करके जाएगा, स्टोरी प्लॉट का काम करके जाएगा, और उसका रिवील आउट जो प्लॉट बाय प्लॉट अनवील होगा वो मूवीज में देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल कनेक्ट करके जाने वाला है। तो ये चीज़, ये एफर्ट दमदार है, एक टीजर के रूप में बोला जा रहा है, बट एक टीजर में भाई बहुत कुछ नहीं दिखा सकते, तो हो सकता है लेंथ इसकी ज़्यादा हो, और जितनी लेंथ ज़्यादा होगी भाई फैंस को उतना ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसकी हाइप सॉलिड है बाबा। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ में अभी हाइप सॉलिड बनी पड़ी है। तो प्रील्यूड में होगा ये कि वही करेक्टर इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ वहाँ दिखाएंगे कि आखिर मूवी में हमें मिलने के वाले, एक टाइप से समरी कह सकते हो या फिर फर्स्ट एड, इसका फर्स्ट एड कह सकते हो, जो हमें आइडिया देकर जाएगा कि भाई ये कुछ मिलने वाला है। और जो इस प्रील्यूड की एंडिंग होगी वहाँ से कल की 2898 जो मूवी होगी वहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है। ये है भाई स्ट्रॉन्ग वर्ड मेकर्स की तरफ से, ऑफिशियली ये आया है। प्रील्यूड में कर रहा हूँ भाई साहब, इस टर्म का मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है, तो फिलहाल जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया हो थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा। एक ऐसा इंट्रोडक्शन एक्शन या फिर इवेंट या फिर परफॉर्मेंस, कोई भी बड़े इवेंट का परफॉर्मेंस जिसको बहुत छोटे से शब्द में बताया जा सके कि उसमें कीन मोमेंट, मतलब फाइन मोमेंट क्या होने वाले हैं, उसको एक ऐसे तरीके से पेश करना जो इजीली लोगों को कनेक्ट करके जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ ना हो, ये होता है प्रील्यूड भाई। फिलहाल मेरे को गूगल बाबा ने यही दिया जब मैंने सर्च किया है। तो दूसरा, इस एनिमेटेड टीजर को रिलीज करने की बात चली है नेटफ्लिक्स पर, और इसकी डेट भी अभी अनाउंस कर दी है, लेकिन भाई साहब डेट और जो नेटफ्लिक्स अभी जो भी बात होगी वो रूमर्स के बेस पर होगी, जो ऑफिशियली मुझे मेकर्स की तरफ से नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश करी, ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। देन उसके बाद एक चीज़ ये भी कन्फर्मेशन में आई है कि भाई साहब कल की 2898 का जो टीजर है वो 17 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा, बट नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड का ठप्पा नहीं है मेकर्स की तरफ से, बस र्यूमर्स है, लेकिन ऐसे सोर्सेज से है जो मुझे लगा कि भाई बताना चाहिए, मतलब ऐसा ही नहीं है, है पर उतना ज़्यादा पोटेंशियल इस र्यूमर में नहीं है जितना ज़्यादा पोटेंशियल एक मेकर्स अपनी तरफ से इस पर लगा सकते हैं। देन उसके बाद भाई साहब एक चीज़ ये भी निकल कर आ रही, क्योंकि मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, 9 मई को नहीं मिलेगी, इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है, वोटिंग वगैरह होगी साउथ में, दैट्स वाई की मूवी को पोस्टपोन कर दिया है। तो 30 मई को रिलीज डेट कन्फर्मेशन दे रहे हैं, बट ये भी ऑफिशियल नहीं है, अप्रूव्ड का ठप्पा फिलहाल ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से नहीं आया है, तो इसे भी रूमर्स मान के ही चलना। लेकिन वही चीज़ की भाई जनता की भारी भरकम डिमांड, अगर लोग बार बार 30 मई करेंगे कि भाई रिलीज डेट यही है, तो हो सकता है इस बहती गंगा में जो जो हाइप बनी बनाई उन्हें मिल जाए मेकर्स को, शायद इस हाइप का वो इस्तेमाल कर लें।
शायद 30 मई को रिलीज कर दे। फिलहाल रूमर्स ही है इस पे भाई, मैं तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन जिस सोर्स से ये 30 मई आया है वो भाई था सैकनिक रिपोर्ट, और सैकनिक रिपोर्ट पे भाई मैं भरोसा करता हूँ। काफ़ी अच्छा कवर अप करते हैं पूरा सिनेमा को, जितना भी इंडियन सिनेमा चलता है वर्ल्ड सिनेमा भी कवर अप करते हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा की छोटी से छोटी अपडेट भी ये कवर अप करते हैं। एक और लास्ट एंड फाइनल कि भाई साहब कल की 2898 का जो ट्रेलर होगा वो ड्यूरिंग दी आईपीएल यानी आईपीएल के दौरान चलाने की बात चलाई जा रही है, जो बहुत बड़ा इवेंट है जहां पर भाई पूरे दुनिया की ही नज़र, पूरे इंडिया की तो नज़र रहती रहती है, बाकी बाहर कंट्री की भी नज़र रहती है, जो इस मोमेंट को इस्तेमाल करने के लिए एक फाइन एंड फाइन चांस है। हु नोस सेमीफाइनल या फिर फाइनल में ये ट्रेलर को चला दें, तो भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि इतने बड़े इवेंट पर इतनी बड़ी मूवी का ट्रेलर चलाया जाएगा और ये मूवी डेफिनेटली आग लगा कर जाने वाली है। तो भाई साहब इस मूवी की हाइप सॉलिड है। इससे भी जुड़ी और कुछ भी बात अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी प्रीलिउड के लिए कौन कौन इंतजार अब करने वाला है, बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, देन उसके बाद अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।